स्टूडेंट वी कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड स्टडिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बारे में हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट्स कौन कौन से डेवलपमेंट मेडिवल पीरियड में हुए, मीन्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और रिलीजियस डेवलपमेंट, इन सारे डेवलपमेंट्स को हम थर्ड पार्ट में रीड करेंगे। इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स एंड रिलीजियस डेवलपमेंट विच अकर इन मेडिवल पीरियड। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, अबाउट हुम यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद सेवरल रिलीजन किंगडम रोज थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत सारी किंगडम्स का उदय हुआ। दे वर कंसिस्टेंटली बैटलिंग विद ईच अदर, और या कंसिस्टेंटली लगातार एक दूसरे से अपने किंगडम के लिए लड़ती रही। ईच अदर ओवर कंट्रोल द लार्जर एंड रिचर टेरिटरीज, मतलब ये टेरिटरीज के लिए लड़ती रही, धन दौलत के लिए लड़ती रही। दीज किंगडम्स हैड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर करेक्टरिस्टिक विच स्टॉप्ड देम फ्रॉम यूनिफाइंग अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रीट्स। सून इंडिया वॉज ओवर रन बाई इन्वेंशंस एंड न्यू एम्पायर्स वर एस्टेब्लिश। इस तरह से जो भी किंगडम आती थी वह अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को फॉलो करती थी। इस तरह से भारत में नए नए किंगडम आ रहे थे, नए नए कल्चरल और लैंग्वेजेस का इनोवेशन हो रहा था। इन 13th सेंचुरी द तुर्क्स एंड द अफगान्स रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। 13th सेंचुरी में दिल्ली पर तुर्क्स और अफगान ने शासन किया। दे रूल इज रिफर्ड टू एज द दिल्ली सल्तनत, और इनके रूल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इन द 16th सेंचुरी में द मुगल डायनेस्टी फाउंड बाई बाबर सक्सीडेड द दिल्ली सल्तनत, और 16th सेंचुरी में जो मुगल डायनेस्टी थी वो फाउंड की गई बाबर के द्वारा। द मुगल्स कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे फाउंडेड ए वास्ट एम्पायर इन इंडिया, और जो मुगल्स थे वो सेंट्रल एशिया में आए और उन्होंने अपना जो भारत में एम्पायर था उसे काफ़ी फैलाया। अंडर दीज सेंट्रल एशियन तुर्किश डायनेस्टीज इंडिया एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ द यूनिक कल्चरल इन्फ्लुएंस बाई बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, और इस शासनकाल में हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया गया, फैलाया गया। इन दिस 18th सेंचुरी द पावर ऑफ मुगल्स डिक्लाइन एंड देयर एम्पायर्स वॉज ब्रोकन अप इन टू वेरियस रीजनल किंगडम, और 18th सेंचुरी में जो मुगल की पावर थी वह डिक्लाइन हो गई, उसका पतन हो गया और उनका जो एम्पायर था वह छोटे छोटे रीजनल किंगडम में डिवाइड हो गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी के अंत तक यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड अराइविंग इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज का भारत में आना शुरू हुआ टू डेवलप ट्रेड टाइज विद इट, और वह भारत में व्यापार करने के इंटेंशन से आए थे। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू अराइव फॉलोड बाय द फ्रेंच। देखिए सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे। द डच एंड द अदर यूरोपियन नेशन बाय द 17th सेंचुरी हाउएवर द फ्रेंच एंड द इंग्लिश इमर्ज एज द मेन राइवल कंपनीज वीविंग फॉर पावर इन इंडिया। बाय द मिड 18th सेंचुरी द इंग्लिश इमर्ज विक्टोरियस एंड द रूल्ड इंडिया टिल 20th सेंचुरी। इस तरह से मिड 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक फॉरेनर्स इंडिया में आए और उन्होंने अपना व्यापार भारत में फैलाया, स्प्रेड किया। नाउ वी रीड अबाउट मेजर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, कौन कौन से मेजर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुए मेडिवल पीरियड में। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इनटू इन इंडिया। दीज वॉज बिकॉज द कंट्री वॉज पॉलिटिकली अनस्टेबल, हैड इमेंस वेल्थ एंड हेल्ड मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए क्योंकि कोई भी जो किंगडम थी वह स्टेबल नहीं थी, और इस तरह से भारत में मेडिवल पीरियड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में। द न्यू अराइवल्स ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आइडिया विद देम, और जो भी न्यू अराइवल्स आता था, न्यू किंगडम्स आती थी, न्यू फॉरेनर्स आते थे, वह अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज लेकर आते थे। द पर्शियन व्हील फॉर इरीगेशन एंड स्पाइनिंग व्हील एंड द कॉटन बो फॉर वेविंग आर थ्री सच एग्जाम्पल। और जो पर्शियन व्हील था वह इरीगेशन के लिए, स्पाइनिंग व्हील कॉटन वीविंग के लिए यूज़ आने लगा। इस तरह के नए नए
उदाहरण हमारे सामने जो कि मेडिवल पीरियड में प्रयोग किए गए. न्यू फूड क्रॉप्स एंड बेवरेज सच एज पोटेटोस, चिलीज, कॉर्न, टी एंड कॉफी ऑल्सो अराइव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और जो मेडिवल पीरियड था उसमें न्यू फूड्स क्रॉप्स भारत में आई, जैसे कि पोटेटो, चिली, कॉर्न, टी, कॉफी ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट. दस दीज वॉज अ पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत का मेडिवल पीरियड था वह सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस का था. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. अब मेडिवल पीरियड में कौन कौन से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने उनके बारे में हम रीड करेंगे. विद द राइज ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स, न्यू रीजनल किंगडम बनने के बाद मेनी न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का उदय हुआ. सम लाइक राजपूत, सिक्स, मराठास, जाट्स एंड ओहोम्स वर पॉलिटिकली पावरफुल. राजपूत, सिक्स, मराठा, जाट और ओहोम जो थे वो पावरफुल हो गए. द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम वॉज मार्क्ड बाई द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. और इन रीजनल किंगडम के उदय होने के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सपेंशन हुआ. द दिस एक्सपेंशन काज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग द पीजेंट्स. और इस तरह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने के साथ साथ ही इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस भी किसानों के बीच में होने लगे. सम एक्वायर्ड मोर लैंड, सम केप्ट कैटल, व्हाइल सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद देयर एग्रीकल्चर वर्क. इस तरह से किसी के पास अपनी खुद की लैंड थी, अपने खुद के एनिमल्स कैटल्स थे और किसी के पास कुछ भी नहीं था. वर्क एज डिफरेंसेज इन सोसाइटी, न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑल्सो कैम अप, कायस्थ एंड बायदास. इस तरह से जो पीपल्स का ग्रुप था वो फॉर्म होने लगा. फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलोंगिंग टू द न्यू सब कास्ट. और इस तरह से नई सब कास्ट का उदय हुआ. दीज पीपल वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्ण सिस्टम. और ये जो लोग थे या ओरिजिनल वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं थे. इट वॉज देयर प्रोफेशन दैट डिटरमाइंड देयर कास्ट. और इनकी जो कास्ट थी वह किससे डिटरमाइन की गई थी, इनके प्रोफेशन से डिटरमाइन की गई थी. कायस्थ वर ए कास्ट टू स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज. जो कायस्थ होते थे वो क्या होते थे, स्क्राइब्स होते थे और सेक्रेटरीज होते थे हु बिकम पावरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड. और जो कायस्थ थे वह इस पीरियड में काफ़ी पावरफुल हो चुके थे. मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट. अब रिलीजन के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए मेडिवल पीरियड में. ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड देयर वॉज ए राइज इन द स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म. देखिए जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसमें हिंदुइज्म काफ़ी स्प्रेड हो चुका था. द टेम्पल्स वर स्ट्रेंथ बाई गिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम द किंग्स. जो रूलर थे, किंग थे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ट किए थे. इन रिटर्न द ब्राह्मण्स लेगिटिमाइज्ड देयर किंगशिप. और जो ब्राह्मण था उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी. द ब्राह्मण्स कंटिन्यूड टू फॉलो ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कास्ट रूल्स. इस तरह से जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे ट्रेडिशनल्स को, रिचुअल्स को और रूल्स को. मोन्यूमेंट्स लाइक भक्ति ऑल्सो हैडेड द स्प्रेड द हिंदुइज्म. और उस समय के जो मोन्यूमेंट्स थे, भक्ति थी, उसने ही हिंदुइज्म को फैलाने का काम किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लाम ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट रिलीजन इन इंडिया. और इस पीरियड में इस्लाम भी एक इम्पोर्टेंट रिलीजन बन गया था. इस्लाम वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया बाय द अरब ट्रेडर्स. अच्छा, भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म को कौन लेकर आया था, तो वो अरब ट्रेडर्स के द्वारा लाया गया था. लेटर विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स, द रीजनल ऑफ इस्लाम गेंड पॉपुलरिटी इन इंडिया. अब देखिए अरब के बाद कौन आए, तुर्क आए, अफगान्स आए, मुगल्स आए और उन्होंने भी भारत में प्रसिद्धि पाई. द इंट्रैक्शन ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड विद हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म गेव राइज टू अ न्यू फेथ कॉल्ड सूफिज्म. देखिए मुस्लिम के बाद, सिख्स के बाद और हिंदुइज्म के बाद, बुद्धिज्म के बाद एक और रिलीजन आया जिसे हम सूफिज्म कहते हैं. Now we read about bhakti. By the time Buddhism and Jainism had become very ritualistic. देखिए इस टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी रिचुअलिस्टिक थे. दे वर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल. दे वर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल. द भक्ति मूवमेंट अमर्ज एज अल्टरनेटिव टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जो भक्ति मूवमेंट था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के
कारण काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। भक्ति मीन्स पर्सनल डिवोशन टू गॉड, भक्ति का इस पीरियड में भक्ति का मतलब था पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड। इन भक्ति देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटी। भक्ति का मतलब होता था भगवान और भक्त के बीच का रिलेशनशिप, संबंध। देयर आर नो इंटरमीडिएटरीज लाइक प्रीस्ट, प्रेयर्स और चेंज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप। और ऐसा माना जाता था कि किसी भी संत, साधु या पुजारी की जरूरत नहीं होती है भगवान और भक्ति के बीच के रिलेशन को क्रिएट करने के लिए। द भक्ति सेंट्स स्प्रेड देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इमर्जिंग रूलर। द रूलर हेल्प बिकॉज दे थॉट द अलाइंग देम स्लेव्स विद द पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट वुड मेक देयर रूल लिगिटिमेट। दो द मूवमेंट इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया, इट स्प्रेड वाइडली इन साउथ विद द हेल्प ऑफ द पल्लवाज एंड पांड्याज। देखिए, पल्लवाज और पांड्याज की हेल्प से नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ में भी भक्ति मूवमेंट फैलने लगा। नाउ वी रीड अबाउट इस्लाम। इस्लाम इज मोनोस्थेटिक रिलीजन। जो इस्लाम है वो मोनोस्थेटिक रिलीजन है। दैट मीन्स दैट दे बिलीव इन ओनली वन गॉड। मोनोस्थेटिक का मतलब होता है वह रिलीजन या वह व्यक्ति जो केवल एक गॉड में या एक ईश्वर में आस्था रखता हुआ अल्लाह। जो इस्लाम है वह केवल अल्लाह में आस्था रखता है। द कुरान इज़ देयर होली बुक, और कुरान की एक मात्र होली बुक है। मैनी रूलर्स patronized Islam and some even adopted it with the arrival of the Muslim invaders. और इस तरह से बहुत सारे जो rulers थे इस्लाम के, उन्होंने अपने धर्म को spread किया, और जो भी foreigner Muslims traders आते थे उन्होंने भी अपने धर्म को फैलाया। History of Islam, हम इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम स्प्लिट इनटू टू सेक्ट, द सिन्हाज एंड द सुन्नीज। सिन्हाज और सुन्नीज में डिवाइड हो गया। द उलामाज, द रिलीजियस थियोजेंस एंड द जूरिसिस्ट वर पेट्रोनाइज्ड बाय मेनी इस्लाम रूलर। देयर वर फोर स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड द हनाफी स्कूल ऑफ लॉ वाज द मोस्ट लिबरल एंड वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द तुर्क। देखिए, तुर्क के द्वारा एक इस्लाम स्कूल लाया गया था। द अदर स्कूल्स वर साफी, मालिकी एंड हनबाली। और तुर्क के बाद के जो स्कूल है वह है साफी, मलाकी एंड हनाबाली। अब हम पढ़ेंगे सूफिज्म के बारे में। सबसे पहले हमने हिंदुज़्म के बारे में जाना, इस्लाम के बारे में जाना। नाउ वी रीड अबाउट सूफिज्म। अराउंड द 8th सेंचुरी सूफिज्म रोज इन द मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए, सूफिज्म कहाँ स्प्रेड हुआ, कहाँ रोज हुआ उसका, मुस्लिम्स वर्ल्ड में, मुस्लिम के समुदाय में। इट ड्रू सर्टेन आइडियाज फ्रॉम हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। इसने अपने जो आइडियाज थे वो कहाँ से कैप्चर किए, हिंदुज्म और बुद्धिज्म से। सूफिज्म वाज मोनोथेस्टिक फेथ एंड प्रीस्ट फॉर इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। देखिए, जो सूफीज थे वह भी मोनोस्थेटिक थे, मतलब एक गॉड में अपनी आस्था रखते थे, और इनका विश्वास था ब्रदरहुड और इक्वालिटी में, सबको समान अधिकार और सबको भाईचारे की भावना से ये देखते थे। सूफीज सेंट ब्रोट द फेथ टू इंडिया ड्यूरिंग द तुर्किश इन्वेंशन। देखिए, जो सूफी संत थे वह अपने फेथ लेकर तुर्किश इन्वेंशन के रूप में आए। इन वाज essentially Islamic in character, just like Bhaktism was basically Hindu in character. Both emerged as a response to the orthodox elements in religion. Both preached a similar concept to equality and brotherhood. इस तरह से जो हिंदुज्म संत थे, preachers थे, और सूफिज्म थे, इन दोनों का concept एक था समानता के लिए लोगों को सिखाना और भाईचारे के लिए सिखाना। दे बिकम पॉपुलर विद द मासेस बिकॉज देयर आइडियाज़ वर टॉट इन लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज। और यह दोनों ही भारत में काफ़ी फेमस हुए क्योंकि इन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में लोगों को सिखाया, लोगों को प्रीच किया। इस तरह से लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ने लगी। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट मेडिवल पीरियड। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, मेडिवल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। Thank you, have a nice day.